हेलो दोस्तों, टैक्स और वेल्थ में आपका स्वागत है। मैं हिमांशु कुमार फाइनेंशियल इवनिंग के साथ। आज का दिन बड़ा ही आप कह सकते हैं कि ऐसा रहा, जैसा कि मैंने मॉर्निंग में बोला था कि ये रेड स्ट्रीट हुआ है, वो रेड स्ट्रीट एकाएक ग्रीन स्ट्रीट में कन्वर्ट हो गया। सुबह की इतनी भयानक क्राइसिस, जिसको आप कह सकते हैं लोअर सर्किट लगा, निफ्टी टूटा हुआ था, सेंसेक्स की आप कह सकते हैं ब्लीडिंग थी, पूरी स्ट्रीट रेट से भरी पड़ी थी। एकाएक ये इतनी ज़बरदस्त उछाल कि कहा नहीं जा सकता, इसको बाउंस बैक ही कह सकते हैं। सेंसेक्स ने पूरी तरह से बाउंस बैक किया, निफ्टी ने भी बहुत अच्छी तरह से बाउंस बैक किया। निफ्टी जो आज बंद हुआ 9955 365 पॉइंट ऊपर रहा। अगर मैं मॉर्निंग की बात करूँ तो मैसिव गिरावट थी, मैसिव, इतनी ज़्यादा गिरावट थी कि सर्किट लगा था, तो आप समझ सकते हैं। सेंसेक्स भी 1325 पॉइंट ऊपर रहा, यानी कि सुबह का पूरा जो रिवर्स आप कह सकते हैं कि एक तरह से मार्केट में देखा गया। ये पूरा एशिया मार्केट में ऐसा ही रहा, अप्रॉक्सीमेटली सारी चीज़ें ग्रीन रही, जो कि कल तक रेड थी, आज थोड़ा सा आप उसको पॉजिटिव कह सकते हैं। कुछ और अच्छी खबर है इंडियन मार्केट से। एक तो गवर्नमेंट ने तुरंत EGRDU को थोड़ा सा डिफर किया, डिफर करते ही एयरटेल और वोडाफोन में लगभग 38% का उछाल हुआ, यानी कि AGR का जो ड्यू था उसको भी कुछ समय दे दिया गया, जिससे आप कह सकते हैं कि जो टेलीकॉम क्राइसिस था मार्केट में वोडाफोन और एयरटेल के ऊपर, वो क्राइसिस के बादल छट गए। और जैसा कि हमने एक अपने वीडियो में पहले भी कहा था कि ये 15 साल का टाइम दिया जाना चाहिए था, वो टाइम एक तरह से उन्हें अलॉट किया गया है। इसके अलावा बात करें तो यस बैंक में भी बहुत अच्छी खुशहाली है। कैबिनेट ने जो रिस्ट्रक्चरिंग प्लान था उसे अप्रूव कर दिया, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ICICI बैंक ने 1000 करोड़ निवेश किया इक्विटी के माध्यम से, 100 शेयर उसने परचेज किए एट द रेट ऑफ 10, यानी कि ICICI बैंक भी यस बैंक में इंटर कर चुका है। कैबिनेट ने इसकी रिस्ट्रक्चरिंग को अप्रूव कर दिया। अब गुड न्यूज़ ये है कि यस बैंक में हो सकता है कि जो लिमिट लगा हुआ था वो भी 2 से 3 दिन में विड्रॉ हो जाएगा, जैसा कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कहा है। यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर आज मैडम बाहर आई, उन्होंने ये चीज़ें बताई और उन्होंने एक तरह से ये कहा कि यस बैंक के जो क्राइसिस के बादल थे वो छट गए। एक और गुड न्यूज़ है, गुड न्यूज़ ये है कि जो सरकारी एम्प्लॉई, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, उनका DA डियरनेस अलाउंस 4% से अप कर दिया गया, यानी कि 4% का इंक्रीमेंट दिया गया। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो आज कुछ अच्छी न्यूज़ के साथ सबसे अच्छी चीज़ रही कि जो मार्केट रेट था वो ग्रीन में कन्वर्ट हुआ और बैंकिंग सेक्टर में भी अच्छा उछाल देखा गया। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना और बेल बटन दबाना ना भूलें। थैंक यू।